केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पिछले 2 दिनों से अपने गृह जिला हमीरपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के लोकप्रिय पीएम हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व पीएम को 10 वर्षों तक नहीं सुना गया। लेकिन पीएम मोदी देश की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन देश के पूर्व पीएम को ना तो लोगों ने 10 वर्षों तक सुना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में चुनावों का चौथा चरण बीत चुका है, लेकिन गांधी परिवार में वहां पर चुनाव प्रचार की हिम्मत नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में 40 सांसदों तक सीमित होकर रह गई है और यही उनकी हताशा को दर्शा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश यानी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। देश के हर कोने में उनकी मांग है। एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जो 10 वर्षों तक सुने नहीं गए। एक आज प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सीधा संवाद भी करते हैं और चुनाव में प्रचार प्रसार भी करते हैं। राहुल गांधी जी तो और उनका पूरा परिवार, गांधी परिवार, ये पश्चिम बंगाल के 4 चरण हो चुके, उन 4ों चरणों में प्रचार करने तक नहीं गए। कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है। कभी 400 सीटों की पार्टी थी, 400 सांसदों की, 40 सांसदों तक सिमट कर रह गई है। ये कांग्रेस की मजबूरी है, अब दिखते भी नहीं है और सुपड़ा साफ कांग्रेस का हो रहा है, तो राहुल जी की इस तरह की बयानबाजी करना बनता है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि आइए सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को मजबूत बनाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे। देशवासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आइए सब मिलकर हिमाचल को नंबर 1 राज्य बनाएं। चाहे हम प्रदेश में हों या प्रदेश से बाहर हों, हम सब का कर्तव्य अपने प्रदेश के प्रति हर क्षेत्र में योगदान देने का है, ताकि हमारा हिमाचल स्वच्छ, सुंदर, सशक्त हो और आगे बढ़े। वहीं बंगाल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा पर लोगों को बांटने के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को खुद लोगों को जवाब देना चाहिए कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, तो वही केरल में उसके खिलाफ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद बताए कि किन मुद्दों पर कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर फायदे लेने के लिए तुष्टिकरण की नीति अपनाने के आरोप भी लगाए। देखिए, कांग्रेस को ये जवाब देना होगा कि पश्चिम बंगाल में वो कम्युनिस्टों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में, जहाँ से वो राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहाँ पर कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इनको जवाब देना है कि इनकी विचारधारा कहाँ है, किस आधार पर कम्युनिस्टों के साथ पश्चिम बंगाल में तालमेल किया है, किन मुद्दों पर किया है, और जो एक खास वर्ग की वोट लेने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, इसी के कारण कांग्रेस हाशिए पर आई है। और कांग्रेस के नेताओं ने बार बार कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति ने कांग्रेस की नैया डुबोई है। तब राहुल गांधी जी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये दिखावा लोगों को रास नहीं आता है। देश के सभी भाई और बहनों से मेरा आग्रह है कि कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क पहन कर रखें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, हाथों को निरंतर साफ करते रहें और अपने आप को बचाएं, देश को बचाएं, लोगों की जान को बचाएं। और जितना ये मिलकर सबको बचाएंगे, उतना देश बचेगा, जान भी और जहान भी। जिस तरह से पिछले 1 साल में हम लोग लड़ाई लड़े कोरोना के खिलाफ, अब की बार भी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और ये इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जरूरी है जान को बचाना। युवाओं में बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमित हुए हैं और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बेपरवाह और लापरवाह ना हो, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करें।